मानव शरीर में दो किडनी होती हैं, ये बात तो लगभग सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक गांव ऐसा भी है जिसमें लगभग हर आदमी की सिर्फ एक ही किडनी है। जी हाँ, सही सुना, सिर्फ एक किडनी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी विषय को लेके और जानेंगे कि वो गांव कौन सा है और एक किडनी होने के पीछे कोई प्राकृतिक कारण है या कोई और वजह है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है होक्से। इस गांव में रहने वाले लगभग सभी लोगों के पास एक किडनी है जिसकी वजह से इस गांव को किडनी विलेज का नाम दिया गया है। दोस्तों, इस गांव में एक किडनी होने का कोई प्राकृतिक कारण नहीं है बल्कि ये मामला जुड़ा है मानव अंग की तस्करी से। मानव अंग की तस्करी करने वाले गिरोह इस गांव में आते हैं और लोगों को बहला फुसलाकर उनकी किडनी निकाल लेते हैं। एक और जहां किडनी बेचना पैसे की कमी है तो वहीं दूसरा कारण है उनका कम पढ़ा लिखा होना। मानव अंग की तस्करी करने वाले गिरोह ने गांव में लोगों को यह तक बोल दिया कि एक बार किडनी निकलवाने के बाद यहां दोबारा से किडनी उग जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारे चैनल से जुड़ने का आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। दोस्तों, WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 12,000 अवैध किडनी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। ये तो वो आंकड़े हैं जो रिकॉर्ड में हैं, हकीकत तो इससे काफ़ी अधिक है। आज भी भारत में लगभग 2,00,000 ऐसे मरीज हैं जो अपनी किडनी बदले जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। भारत में 80% से अधिक मरीज ऐसे हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बनाए गए नियम के कारण अपनी किडनी नहीं बदलवा पाते। भारत में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट 1994 को 4 फरवरी 1994 को लागू किया गया था। इस एक्ट के अनुसार केवल ब्लड रिलेशन में ही मानव अंगों का आदान प्रदान किया जा सकता है। अगर ब्लड रिलेशन से बाहर कोई व्यक्ति अपना अंग दान करता है तो उसके पीछे का कारण सिर्फ प्यार और लगाव ही होना चाहिए। उनके बीच में पैसे का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। अगर पैसे का लेन देन होता है तो ये कानून अपराध होगा। इन्हीं नियमों के चलते कुछ मरीज तो पिछले 8-10 सालों से डोनर की तलाश कर रहे हैं और डायलिसिस के सहारे जिंदा है। तो ऐसे में मानव अंग तस्कर नेपाल से गरीब और भोले वाले लोगों को बहला फुसराकर उनकी किडनी निकाल लेते हैं, जिसको ये आगे 10,000 से 15,000 डॉलर में बेच देते हैं और जिसकी किडनी होती है उसको मुश्किल से 500 से 1,000 डॉलर ही देते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक किडनी वाले गांव की कहानी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।